सो इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए तुम लोग को एक ऐप्स की ज़रूरत होने वाला है और उसका नाम है KineMaster। अगर तुम लोग के पास KineMaster नहीं है तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं या टेलीग्राम पे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को KineMaster ओपन करना है और KineMaster ओपन करने के बाद ये प्लस आइकॉन पे टच करना है, देन 9:16 को सिलेक्ट कर लेना है और फिर एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, ब्लैक बैकग्राउंड। तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, इसका ड्यूरेशन बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद अब आपको जो भी मैं PNG अप्लाई कर रहा हूँ उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद तुम लोग को अब लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। अब आपको एक इमेज PNG सेलेक्ट कर लेना है। PNG सेलेक्ट करने के बाद अब इसका थोड़ा बढ़ा देना है, इस तरह से कुछ इस तरह से जूम कर लेना है और इसका ड्यूरेशन भी बढ़ा देना है, कुछ इस तरह का। अब आपको सॉन्ग अप्लाई करना है, तो इसका भी वीडियो का ऑडियो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड करना है। फिर से लेयर पे क्लिक करना है और आपका जहाँ भी वो वीडियो म्यूज़िक है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको इधर राइट की ओर जाना है और इधर एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर देना है। ये कर लेने के बाद इसको डन कर देना है। अब इसका PNG इसका डिलीट कर लेना है, जो दिख रहा होगा ये दिख रहा होगा PNG, देखिए इसका PNG डिलीट कर लेना है। डिलीट कर लेते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का है। इस गाने तक सेलेक्ट कर लेना है, ये देखिए इस गाने तक ब्लैक बैकग्राउंड पे टच करना है, कैंची के ऑप्शन पे जाना है, ट्रिम टू राइट कर लेना और इसका डन करने के बाद अब इसका फोटो भी कुछ इस तरह से ड्यूरेशन बढ़ा देना। अब आपको एक अपना फोटो PNG अपलोड करना है, उसके लिए आपको पीछे का बैकग्राउंड जितना भी उसको आप कट कर लेना है, कुछ इस तरह का होगा। लेयर पे जाना है, मीडिया पे क्लिक करना है और आपका जहाँ भी है वो PNG उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। PNG सेलेक्ट कर लेने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, देख लीजिए कुछ इस तरह का। इसका ड्यूरेशन बढ़ा देना है पूरा जहाँ तक सॉन्ग है। ये कर लेने के बाद अब आप इसको थोड़ा जूम कर लेना है, ये देखिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब आपको एक बर्ड वाला PNG सेलेक्ट कर लेना है, तो लेयर पे जाना है, मीडिया पे क्लिक करना है और आपका जहाँ भी बर्ड वाला PNG है उसको सेलेक्ट कर लेना है। बर्ड वाला PNG सेलेक्ट कर लेने के बाद उस बर्ड वाला PNG पे टच करना है और इधर नीचे जाना है, राइट की तरफ से नीचे जाना है और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देख लेना किस जगह पे ठीक हो रहा है। सेलेक्ट स्क्रीन मल्टीप्लाई पे सेलेक्ट कर लेना है, ये देख लीजिए। अब इसको थोड़ा जूम कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। जूम कर लेने के बाद इसका ड्यूरेशन भी बढ़ा लेना है, ड्यूरेशन। अब ये कर लेने के बाद और एक PNG अप्लाई करना है, तो फिर लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और आपका जहाँ भी वो डाउनलोड हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा। अब इसका ड्यूरेशन बढ़ा देना है। कुछ इस तरह का इस पर टच कर लेना है, इसका थोड़ा बड़ा कर लेना। ये देखिए कुछ इस तरह का। कुछ इस तरह से कर लेना है। और फिर अब आपको इसका एनिमेशन करना है। तो सबसे पहले इस ग्रीन वाले पे टच कर लेना है, चाबी के ऑप्शन पे जाना है और थोड़ा इसका यहाँ से, ये देखिए यहाँ से प्लस पे टच कर लेना है। अब दोनों फिंगर से इसे जूम कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह का। अब इसको बढ़ा देना, लास्ट में आ जाना। लास्ट में आने के बाद ये प्लस आइकन पर टच करना है और फिर इस तरह से आपको जूम कर लेना है। ये हो गया। इसके बाद डन कर लेना है। डन करने के बाद फिर से आपको इंडियन PNG पे टच करना है और इस तरह से बढ़ा लेना है। देखिए, और आपको चाबी के ऑप्शन पे टच करना है और प्लस आइकन पे टच करना है और फिर से आपको थोड़ा जूम कर देना है इस तरह का। इस तरह से आपको पूरा कर लेना है लास्ट तक। फिर से यहाँ पे टच करना है, फिर से थोड़ा जूम कर लेना है। इस तरह से पूरा लास्ट तक करना है। इंडियन PNG को एनिमेशन करने के बाद अब अपना फ़ोटो का एनिमेशन करना है। तो फ़ोटो पे क्लिक करना है और चाबी के ऑप्शन पे जाना है और इसे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको प्लस आइकन पर टच करना है। अब इसका एनिमेशन करना है कुछ इस तरह से। ये है, इस तरह से आपको कर लेना होगा। फिर प्लस पे टच करना है, फिर इसका थोड़ा यहाँ पे बढ़ा लेना है तरीका से। फिर आगे पे चले जाना है, फिर प्लस पे टच करना है, फिर आपको इसका थोड़ा मूव करा लेना है। देखिए कुछ इस तरीका से। इस तरीका से आप पूरा कर लेना है, पूरा लास्ट तक। इस तरह से एनिमेशन करने के बाद अब आपको फ्लैग का भी एनिमेशन करना है। तो फ्लैग पर फ्लैग वाले PNG पे टच करना है और की के ऑप्शन पे जाना है, चाबी के ऑप्शन पे। इस तरह से आगे बढ़ लेना है थोड़ा, उसका प्लस आइकन पर टच करना है, उसके बाद थोड़ा जूम कर लेना हल्का हल्का इस तरीका से। फिर से चाबी पे जाना है और थोड़ा आगे बढ़ा के इसका प्लस आइकन पर टच करना है और फिर से दोनों फिंगर से आपको आराम से जूम कर लेना है। ये हो गया। इस तरह पूरे लास्ट तक करना है। फिर से प्लस पर टच करना है, फिर दोनों फिंगर आराम से इसको थोड़ा जूम कर लेना है। ये हो गया। फिर से इस तरह पूरा लास्ट तक करना है, प्लस पर टच करना है, फिर आपको एनिमेशन कर देना है। इस तरह से पूरा लास्ट तक कर लेना होगा। और सब कुछ कर लेने के बाद यहाँ पे लास्ट में आपको सब इक्वल रख लेना होगा। ये देखिए कुछ इस तरीका से कर लेना होगा। ये कर लेने के बाद अब आपको ये बन के रेडी हो गया। अब आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए इस जगह पे टच कर लेना होगा और जिस भी क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए 1080, 720, 540, तो फुल एचडी पे डाउनलोड करते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये हो रहा है। अगर आप इस तरह का वीडियो एडिट सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक बने रहें। धन्यवाद।